अस्सलाम वालेकुम माय YouTube फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मेरा प्रॉमिस पूरा होने जा रहा है। मैंने आप लोगों को कहा था, मैंने अपनी YouTube देखने वालों को कहा था कि जो है मैं आपको वापस आकर ज़रूर आयशा मस्जिद की ज़्यारत कराऊंगी। तो आज वो दिन आ गया है, आज मैं आपको आयशा मस्जिद की ज़्यारत कराऊंगी कि वो कैसी है, वो अंदर से कैसी है। इस टाइम असर का टाइम हो रहा है, तो दोपहर अगर जहर के टाइम आते हैं तो काफ़ी धूप होती, तो इसलिए मैंने सोचा कि असर का टाइम बेस्ट है, क्योंकि अंधेरा भी नहीं होना, सारी चीज़ें आपको सही तरह नज़र भी आ जाएंगी, आप व्यू भी कर लेंगे मेरे साथ साथ और आपको पता भी लग जाएगा। ये आयशा मस्जिद के बाहर का व्यू है। अब हम यहाँ पहुँच गए थे तो यहाँ काफ़ी जो है ना ट्रैफिक है ना, क्योंकि उमरा जो है वो खुल गया है और हज भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफ़ी रश है आजकल यहाँ पे। तो हमारे घर तक भी पहुँचने में, क्योंकि हमारा घर आयशा मस्जिद के बिल्कुल सामने है, तो जब हम घर भी पहुँचते हैं ना तो हमें ज़रा देर लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 मिनट का सफ़र है तो वो 10 मिनट में होता है। आजकल इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है और इन्होंने जो बसेस जो है वो फ्री चला दी हैं, मतलब हर बस स्टॉप यहाँ पे बनाए हुए हैं उन्होंने और बसेस फ्री हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी रश होता है, बसेस खड़ी होती हैं। इसलिए अब हम पार्किंग ढूँढ रहे हैं और हमें पार्किंग कहीं नहीं मिल रही है। उसकी बैक साइड पे पार्किंग मिली है जहाँ वॉशरूम्स होते हैं जेंट्स और लेडीज़ के, बैक साइड वाले, ये हमें वहाँ पे पार्किंग मिली है। और अब हम यहाँ से ही एंटर हो जाएंगे अंदर, क्योंकि हम उधर जाएंगे तो वो बहुत लंबा चक्कर पड़ेगा, इसलिए हम इधर से ही एंटर हो जाते हैं। ये मस्जिद के बाहर देख सकते हैं, यहाँ औरतें भी काफ़ी चीज़ें लेकर बैठी हुई थी, कहवा वगैरह, जानमाज, अहराम, अहराम थे, तस्बियाँ थी और काफ़ी चीज़ें थी यहाँ ज़रूरत की जो आपके उम्रे के लिए यूज़ होती हैं, खजूरें, पानी वगैरह ईटीसी। ये सामने मस्जिद की एंट्रेंस है और दूसरी साइड पे ये पानी है, लोग पानी पी रहे हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये बाहर का सहन है और सामने ये वुमेन एरिया है प्रेयर का और जेंट्स एरिया है। ये जो सामने औरतें बैठी हुई हैं अभी मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी, और ये दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ ये जेंट्स एरिया है। चले लेडीज़ की तरफ चलते हैं, असर की नमाज़ हो रही है, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, फिर मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह असर की नमाज़ मैंने पढ़ ली है। मैं यहाँ ये सोच रही थी अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से वही रौनकें और वही रश यहाँ पे होना शुरू हो गया है, जिस तरह कोरोना में था कि एक दो लोग ही नज़र आते थे, ज़्यादातर लोग नहीं नज़र आते होते थे यहाँ पर, तो कितनी वीरानी सी होती थी यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब दोबारा से वही रश, वही रौनकें लगनी शुरू हो गई हैं। पहले हाजी जो होते थे ना, उनका लिमिटेड टाइम होता था, मतलब वो लिमिटेड लोग यहाँ पे उमरा करने आ सकते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब टोटली ओपन हो गया है, जितने लोग चाहें वो आ सकते हैं पहले की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ कर देखना, और कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, कुछ लोग उम्रे की नीयत से आ रहे थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ बैठ कर। चले नमाज पढ़ ली है, अब बाहर चलती हूँ, बच्चों को देखते हैं क्या कर रहे हैं वो। ये मैं बाहर आई हूँ तो ज़ैफ़ा और हुरैन ना यहाँ
भाग रहे थे मस्जिद में, ये जेंट्स की तरफ का है, ये शूरैक जेंट्स की तरफ का है। तो मैं यही सोच रही थी पता नहीं इन लोगों ने बाहर के शूज़ उतार दिए, अंदर रैक में क्यों नहीं रखे जब उतारने यहाँ थे। तो अच्छा है, ये बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे कि अभी ये आंटी आई ना, तो इन्होंने इनको बच्चों को जो है वो कैंडीज़ दी, और उसके बाद जो है एक आंटी और आई, उन्होंने बच्चों को अखरोट दिए। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा था बच्चों को देखकर, मतलब बड़ा अच्छा लगता है यहाँ हरम में या यहाँ मस्जिद आयशा में या इस तरह लोग कुछ कैंडीज़ रखते हैं, कुछ खजूरें रखते हैं, कुछ पानी रखते हैं, फिर वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं। अभी जो है इंशाल्लाह रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान की रौनकें और वो बड़ा प्यारा लगता है यहाँ पे, तो उसकी भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ कोई वीडियो शेयर करूँगी। और ये उज़ैफ़ा जो है ये अभी जेंट्स एरिया में जा रहा है नमाज़ पढ़ने, इन लोगों ने असर की नमाज़ नहीं पढ़ी थी, तो उज़ैफ़ा और उसके बाबा असर की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। और ये जेंट्स एरिया है, ये यहाँ जेंट्स की मस्जिद है, मतलब जेंट्स प्रेयर एरिया है ये। तो इसके बारे में भी दो राय हैं यहाँ पे उमरा करने के बारे में, कि कुछ लोग कहते हैं मस्जिद आयशा आएँ स्पेशल और वो एहराम बांधें और फिर वो उमरा करें। कुछ की है कि वो नहीं, वो हदूद हरम से बाहर जाकर और उस तरह आकर भी वो उमरा कर सकते हैं। तो मकसद तो यही होता है कि आपने हदूद से बाहर जाना होता है और फिर वापस उस हदूद के अंदर आना होता है और फिर आप उमरा कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे दो अलग अलग राय हैं, दो डिफरेंट उलमा की। जिस तरह मस्जिद आयशा भी हदूद से, मतलब हरम की हदूद जो है उससे ये बाहर है, तो इसलिए यहाँ पे लोग अहराम बांधकर और फिर उमरा करते हैं। तो बेसिकली मकसद यही होता है कि आपने हदूद से बाहर जाना है, मतलब जो हरम की हदूद है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, वो एक बना हुआ था वहाँ, जब लिखा हुआ था एंड ऑफ हरम बाउंड्रीज़, मतलब वहाँ हरम की जो बाउंड्रीज़ हैं वो एंड हो गई हैं, आयशा मस्जिद हरम की बाउंड्री से बाहर है। अच्छा ज़रा ये ब्रिज चेक करें आप, ये यहाँ से जो है जो लोग हाजी जो हैं यहाँ से निकलेंगे और ये यहाँ इस ब्रिज से ये चढ़ेंगे और फिर ये सीधा सीधा जो है इनकी ये रोड पार हो जाएगी इस ब्रिज के ज़रिए, और फिर वहाँ दूसरी तरफ वो जाके उतर जाएंगे। जिन लोगों ने अगर वहाँ से बस लेनी है, मतलब डिफरेंट तरह की बस है, कोई हरम जा रही है, कोई कहीं और जा रही है, तो जिन लोगों ने उमरा करना है वो तो जाहिर सी बात है हरम जाएंगे। तो यहाँ काफ़ी सारी बसेस चल रही होती हैं, तो जिन लोगों ने उस तरफ जाना है तो वो आराम से यहाँ से ब्रिज से चढ़ेंगे और वो सीधे उस ब्रिज के ऊपर जब वो चढ़ेंगे तो वो रोड क्रॉस आराम से हो जाएगी। क्योंकि अक्सर जो है यहाँ इस तरह होता था कि लोग रोड क्रॉस कर रहे होते थे, तो यहाँ जो है बहुत फास्ट गाड़ियाँ चल रही होती हैं, तो उसकी वजह से जो है वो एक्सीडेंट होने का ख़तरा होता है। तो इसकी वजह से इन लोगों ने जो है
गवर्नमेंट ने ये ब्रिज बना दिया, तो ये बड़ा प्यारा मुझे लगता है यहाँ से देखना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपनी किसी और वीडियो में आपको जो है ना यहाँ से चढ़कर और दूसरी तरफ उतरूँगी और मैं उसका इंशाल्लाह ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी। और अब हम वापस जा रहे हैं और ये कबूतर वगैरह ऐसे उड़ रहे थे, बड़े प्यारे लगते हैं और स्पेशली जब इन्हें बाजरा डालते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला यहाँ हर बंदे को बुलाए, वो उम्रा करे, वो हज करे, बड़ा प्यारा लगता है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।